जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि आतंकी कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। लेकिन जवान भी इनकी नापाक हरकतों को अंजाम तक नहीं पहुंचने देते। इसी कड़ी में एक खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले में 3 नागरिक घायल हो गए हैं। आतंकियों ने पुलिस बल को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका, लेकिन निशाना चूक गया, जिस कारण ग्रेनेड वहां खड़े नागरिकों के बीच गिरा और ब्लास्ट हो गया। घटना पुलवामा जिले की है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आतंकियों ने हमला किया था, उस वक्त पुलिस की टीम कहीं जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि घायल नागरिकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली। आपको बता दें, हमले में पुलिस की गाड़ी बाल बाल बची थी। ग्रेनेड फेंकने के बाद आतंकी मौके से भागने में सफल रहे। घटना के बाद इलाके को घेर लिया गया है। वहीं जवानों द्वारा इलाके को घेरकर आतंकियों के धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, कश्मीर में हाल ही के दिनों में आतंकियों के ग्रेनेड हमले बढ़ गए हैं। पिछले हफ्ते शहर के चनापुरा इलाके में ग्रेनेड हमला किया गया था। इस हमले में 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के व्यस्त परिमपरा पंथाचौक सड़क पर आतंकवादियों की ओर से रखे गए 6 ग्रेनेड का पता लगाया था। पता चलने के बाद जवानों ने इन सभी ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया था। इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।